हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की वीडियो में मैं लॉन्च करने वाली हूँ एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स। सो अगर आप अपना प्ले स्कूल चला रहे हैं और काफ़ी ईयर्स हो गए हैं आपको स्कूल चलाते हुए, तो ये कोर्स आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। सो डिटेल में देखेंगे कि इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हो। अगर आप एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हो, एज अ एडमिन काम कर रहे हो, तो प्ले स्कूल को या फिर प्राइमरी स्कूल को, मिड स्कूल को, सीनियर स्कूल को, या जिस भी लेवल का आपका स्कूल है, ये कोर्स आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है रिगार्डिंग एडमिशन ग्रोथ, रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, रिगार्डिंग मोर एंड मोर एडमिशन। सो बहुत चीजें इस कोर्स में आप सीखेंगे कि मॉडल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप कैसे अपने स्कूल को ग्रो कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहती हूँ, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो आई एम शीतल और इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ प्ले स्कूल खोलने की रिगार्डिंग वीडियो। सो अगर आपका भी सपना है प्ले स्कूल खोलने का, तो इस चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी है, प्लेलिस्ट बना दी है। सो आप जो है इन वीडियोस को देखकर अपने स्कूल में ग्रोथ कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं और मैं हर कमेंट रीड करती हूँ। आप सभी को पता है कि मैं प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स है वो ऑलरेडी कितने सालों से करा रही हूँ, लेकिन ये प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स है एक स्टार्टअप ट्रेनिंग की। स्टार्टअप में आपको क्या क्या चाहिए होता है, तो जो लोग अभी स्कूल खोलना चाहते हैं कमिंग मंथ्स में, कमिंग ईयर में, तो आप प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स कीजिए। और इस कोर्स में क्या है, कॉन्टेंट क्या है, मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुकी हूँ। अगर आप और इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं स्टार्टअप ट्रेनिंग के बारे में, 2 months का ये कोर्स होता है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट ऑफ द कोर्सेज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल सेंड। आज मैं शेयर कर रही हूँ डिफरेंट कोर्स एंड दैट इज एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स। सो प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स और एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स में आप एक स्टार्टअप ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप स्कूल अभी तक आपने नहीं खोला है और कुछ ही मंथ्स हुए हैं मीन्स आपको खोले हुए, तो आप एक स्टार्टअप ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत साल हो गए हैं, 2-3 और से भी ज्यादा साल हो गए हैं, और जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि काफी मेरे पास कॉल्स आती हैं कि मैम हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स कीजिए। सो आगे के पार्ट में हम देखने वाले हैं कि इस कोर्स के कॉन्टेंट क्या क्या है, इसमें आप क्या सीखने वाले हैं, इसकी फी डिटेल एंड मंथ्स ड्यूरेशन टाइमिंग और वीक में कितनी क्लासेस आप लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और आप साथ ही मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए। सो आइए देखते हैं कि इस कोर्स के कंटेंट क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, और ये कोर्स करने के बाद आप कैसे अपने स्कूल में एक फैंटास्टिक ग्रोथ ला सकते हैं। तो गाइज, अगर आप एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, तो इस तरीके से व्हाट्सएप पे मुझे हाई करके मैं आपको सिलेबस कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में दूंगी। तो इस तरीके से केकेसी इज प्रोवाइडिंग एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स, ड्यूरेशन इज 2 months एंड 2 days क्लासेस होगी इन अ वीक। और ये मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ दिखा रही हूँ कि 10 pages की आपको ये सिलेबस मिलेगी, पूरी बुकलेट मिलेगी। मैं साथ ही आपको प्रीवियस सिलेबस भी दिखा दूंगी, वो जो है बिल्कुल डिफरेंट है उससे, ये एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स है। तो जो एक स्टार्टअप ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो कोर्स पहले करें, और जो ऑलरेडी काफी सालों से स्कूल चला रहे हैं तो वो ये करें। ये कोर्स की कंटेंट मैंने बहुत सोच समझ के रखे हैं गाइस, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, वी हैव ऑलरेडी ओपन क्वाइट 5 years, 6 years, 4 years, पर हमारे बहुत लेस स्टूडेंट्स हैं, 10, 15, 20, तो 5 सालों के हिसाब से तो 20 स्टूडेंट्स बहुत ही कम है। तो मैंने बहुत एरिया ऑफ फोकसिंग इसमें बहुत ज्यादा रखा जिससे आपके स्कूल की ग्रोथ होगी। तो एरिया ऑफ फोकसिंग आपको वर्क कैसे करना है आपके स्कूल के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से, तो कोर्स में वो बताया जाएगा। गाइस, ये इंडिविजुअल कोर्स होगा, तो इंडिविजुअल मींस 1-to-1, क्योंकि आपका स्कूल किसी और के स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो ग्रुप क्लासेस नहीं होगी, इसकी इंडिविजुअल क्लासेस होगी। और इसलिए मुझे जो है इसकी फीस उस हिसाब से रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको 1-to-1 सेशन दूं, ग्रुप बेनिफिट भी नहीं रहेगा इस चीजों के लिए। रीजन इज दैट कि आप जो है इसमें
अपने लोकेशन के हिसाब से चीजें सीखेंगे. तो दैट्स व्हाई ग्रुप में अलग अलग लोगों की सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हुई. आई डोंट नो आपने क्या बेसिक स्टैंडर्ड किया है, आपकी स्टार्टअप ट्रेनिंग भी ढंग से हुई है कि नहीं हुई है, आपका बेसिक्स क्या है, आप कहाँ खोल रहे हैं स्कूल. तो बहुत एरिया ऑफ जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है. तो दैट्स व्हाई आई नीड कि मैं आपसे जो है इस चीजों पर काम करूँ कि आपको एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए आपको इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करना पड़ेगा. तो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन. सो आइए देखते हैं कि कंटेंट क्या क्या है जो आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं. तो गाइस सबसे पहले हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग की. ये मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज पर द एक्सपीरियंस आपके पास मेरे पास जो कॉल आती है आपकी कि मैम हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, और आई डोंट नो कि अगर आप ये मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो हाउ एक्सपेक्ट ग्रोथ. तो आपको ये मार्केटिंग बहुत जरूरी है. तो हाउ टू प्रमोट योर वर्क ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस पे कैसे काम करें, हाउ टू अपलोड योर प्रोग्रेस ऑन सोशल मीडिया पेजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट इज इजी एक्सेस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको हम कैसे इजी एक्सेस बना सकते हैं और इस पे हमें क्या अपलोड करना है जिससे जो पेरेंट्स हैं या फिर जो वॉचर हैं वो देखें और आपके स्कूल की क्वालिटी को देखें ताकि वो एडमिशन के लिए आपके स्कूल में आए. एंड डिजिटल हैंडलिंग, फीस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट है एडमिशन क्वेरी, काउंसलिंग. तो ये हम डिजिटल वे में कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा जो वर्क है वो इजी हो पाए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी विल लर्न इन दिस कोर्स इन डीपली वे कि आपको कैसे आज के टाइम के हिसाब से ये चीज करनी है क्योंकि बिकॉज आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो गया है. तो ऑनलाइन अगर लोग पेरेंट्स को फैसिलिटी नहीं दोगे तो यू विल मिस आउट सो मैनी थिंग्स क्योंकि आजकल पेरेंट्स को बहुत कंफर्ट जोन लगता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आपकी प्रोग्रेस देखते रहिए. तो कैसे आपको ये मैनेज करना है, सो यू विल लर्न इन दिस कोर्स. नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानना जरूरी है कि फंक्शन द स्कूल वर्क, कैसे फंक्शन स्कूल वर्क करता है, एक्सीडेंटली इंसिडेंट फुटेज, आपको सीसीटीवी जो कैमरा है वो कैसे हेल्प करेगा. मीन्स आपके पूरे स्कूल की एक्टिविटीज आप देख सकते हैं. अगर कोई स्कूल में इंसिडेंट हो जाता है तो आपको कैसे सीसीटीवी कैमरा हेल्प करता है उसे रिजॉल्व होने करने के लिए, और टीचर्स की एक्टिविटीज को नोट करने के लिए या फिर केयर टेकर या अदर स्टाफ मेंबर जो अगर आपने रखे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है सीसीटीवी कैमरास रखिए. वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये पेरेंट्स को आजकल पेरेंट्स भी कंपल्सरी कहते हैं कि आपके स्कूल में सीसीटीवी है या नहीं. तो अगर आप इस लेवल तक आ गए हैं कि 4-5 ईयर प्लस आपके स्कूल हो गए हैं तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि वैसे तो स्टार्टिंग में ही रखना चाहिए लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स में हाईली रिकमेंड कहूंगी कि आप सभी सीसीटीवी कैमरास भी रखिए. सेफ्टी मेंटेनेंस भी इस पर रहती है. तो एंड नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं फीस मैनेजमेंट. और इस पे काफी मेरे पास कॉल्स आती हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम फीस मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम से कैसे लें, फीस हम ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं और फीस को हम कैसे लें कि हमारी जो और एक्टिविटी है क्योंकि फीस पर ही डिपेंड होती है, लाइक इलेक्ट्रिशियन बिल है, वाटर बिल है और आपके सैलरीज आपको देनी होती है. तो बहुत चीजें होती हैं. अगर आप रेंट पे स्कूल खोला है तो वो कैसे मैनेज करना है. तो ये नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन फॉर एडमिशंस. तो कैसे आप अपना टाइम टू टाइम एडमिशन के लिए प्रमोट करते रहे अपने काम को. अब ये बहुत ही स्पेशल पार्ट है क्योंकि कई बार कहते हैं कि मैम एडमिशंस नहीं हो रहे हैं. तो टाइम से प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है. आपको कि मैम कैसे प्रमोशन किया जाता है तो मैं अपने बेसिक्स वाले कोर्स में 7-8 आइडियाज बताती हूँ हाउ टू एडवर्टाइज योर वर्क. अब बार बार वो 7-8 आइडियाज करना कई बार बहुत बजट से ऊपर हो जाता है. तो आपके एरिया में कौन सा जो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा काम कर रहा है तो वो चीजें मैं आपको इस कोर्स से बताऊंगी और उस एड को आप बार बार अपने स्कूल में करवाइए. तो ये बहुत स्पेशल टेक्निक्स होगी जो मैं आपको इंडिविजुअल कोर्स में आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट आउट करूंगी जिससे बेसिस पे मैं आपको एक राइट नॉलेज दूंगी, एक राइट एडवाइस दूंगी. उसको आप फॉलो करोगे तो 101% आपके एडमिशंस पढ़ेंगे, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ. नेक्स्ट है एडमिशन फॉर्मेट क्या हो, इंक्वायरी फॉर्मेट क्या हो, एडमिशन फी, मंथली फी, स्ट्रेटजी टू गेट मोर एंड मोर फी, ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये सारे कोर्सेस आप सीखने वाले हैं जो आपकी प्रमोशन ऑफ वर्क में. नेक्स्ट सिलेबस को देखा जाए तो एग्जाम मैनेजमेंट, ये भी काफी क्वेश्चन आते हैं कि मैम एग्जाम्स को कैसे मैनेज करा जाए. तो हाउ मेनी
टाइम्स यू विल कंडक्ट एग्जामिनेशन इन योर स्कूल, मार्क्स या ग्रेड हम कैसे रख सकते हैं, मार्कशीट कैसे बनाएं और सर्टिफिकेट कैसे दें, या कौन कौन से सर्टिफिकेट हमें देने होते हैं जब बच्चा पास आउट करके नेक्स्ट स्कूल में जाता है या फिर आप ही के स्कूल में नेक्स्ट में प्रमोट हो रहा है। तो बहुत डीपली लेवल पे मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब फॉर्मेट वगैरह आपको सेंड करूंगी इन PDF फॉर्म, तो आप ये सब चीजें सीखेंगे। मतलब बेसिक्स तो आप वो कोर्स है, लेकिन एडवांस, तो अगर कोई लोग बेसिक्स प्लस एडवांस भी करना चाहता है तो आप लोगों को डिस्काउंट के साथ आप वो कोर्स कर सकते हैं। लेकिन कोर्स करने के बाद 101 श्योरिटी गारंटी मैं आपको देती हूँ कि यू विल गेट 100% रिजल्ट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, क्योंकि लाइफ टाइम सपोर्ट मैं हर कोर्स में अपने देती हूँ। सो नेक्स्ट कॉन्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक मैंने इसमें ऐड ऑन किया है, काउंसलर। काउंसलर मैंने बेसिक्स टॉपिक में नहीं ऐड किया था, वैसे कुछ टॉपिक पार्ट में ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन डिटेल लेवल पे इस एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स में। लेकिन ये टॉपिक बिल्कुल ही फ्रेश है कि काउंसलर की काम क्या होता है, क्यों जरूरी होता है स्कूल को रन करने के लिए, और इसमें बच्चों से जुड़ी काउंसलिंग, टीचर से जुड़ी काउंसलिंग, मोरल स्टोरी, हेल्दी हैबिट्स, पेट सोशल अवेयरनेस, गुडविल ऑफ स्कूल कैसे डिपेंड करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काउंसलर टीचर का होना आपके स्कूल में। सो कैसे ये ग्रोथ में भी फर्क डालता है, कैसे ग्रोथ भी इस पे जो है डिपेंड होती है, बहुत डिटेल में हम चीजों को सीखेंगे इस काउंसलर के टॉपिक में। देखिए, आई डोंट नो कि आप कौन सा बुक सेट्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर जो बुक सेट्स मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, साथ में करिकुलम, साथ में एक्टिविटीज, पूरे साल आप क्या कराएंगे, तो आई एम गिविंग यू श्योरिटी कि आपके स्कूल में इससे भी बहुत सारे एडमिशन्स पढ़ेंगे। सो राइट बुक्स लगाना, राइट कॉन्टेंट पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो नर्सरी से लेकर UKG तक का, और साथ में करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, मंथली एक्टिविटी, वीकली एक्टिविटी एंड ईयरली एक्टिविटी, वो मैं आपको साथ में इंक्लूडेड देती हूँ। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, जो आपको करनी भी चाहिए फॉर योर बेस्ट ग्रोथ इन योर स्कूल, तो आपको इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आगे की जो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक है, उनकी मैं गाइडेंस आपको दे सकती हूँ, चाहे 12th तक, तो अपर 12th क्लासेस तक भी आप जो है बुक सेट्स इसमें जो है मुझसे राय ले सकते हैं, क्योंकि मैं प्रोवाइड UKG तक करती हूँ। लेकिन ये जो कोर्स बेनिफिट है आपको टिल 12th लेवल तक करेगा, बहुत ही डीपली लेवल में मैंने चीजों को प्रोग्राम किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज बट नॉट द लीस्ट, कि फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में अगर किसी एरिया पे कुछ ज्यादा वर्क ऑन करने की जरूरत है, कुछ स्पेशल नीड्स की जरूरत है, तो उसको चेकआउट करके उस पर भी गारंटी में काम किया जाएगा। क्योंकि इस कोर्स का बेनिफिट ही तब है कि आपके स्कूल में जो है ग्रोथ 100% हो। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स गाइज, अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो जस्ट अ मिनिमल इन्वेस्टमेंट है कोर्स की, आप ये कीजिए और गारंटी से आपके स्कूल में एडमिशन्स ग्रोथ होगी और लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट मिलेगा मेरा। एनी टाइम आप मेरे से जुड़कर अपने को नेक्स्ट प्रॉब्लम से बात कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट कोर्स गाइस, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स कि इतने हमारे एडमिशन्स होने चाहिए 200-300, क्योंकि अगर आप राइट ट्रैक पर आप जाएंगे तो एडमिशन ग्रोथ अपने आप ही आएगी। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम कीजिए गाइस, जो इस कोर्स का मेन मोटिव है, और आपके एरिया के अकॉर्डिंग क्या क्वालिटी रखनी चाहिए, क्योंकि हर एरिया में थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा क्यों बहुत होता है, कि आप उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर नहीं काम करेंगे, अगर आप किसी और एरिया की ब्रांच को कॉपी करके अपने यहाँ पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट करोगे तो वो चीज नहीं चलेगी। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगती है गाइस, इट्स नीड टू अंडरस्टैंड। तो आप बेसिक्स प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं प्लस एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम काम अपने स्कूल में करना चाहते हैं, तो दोनों कोर्सेज में आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एक कोर्स करना चाहते हैं, लाइक आप पहले प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, तो इसकी डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वो करिए। अदरवाइज आप दोनों करना चाहते हैं, दोनों में इंटरेस्टेड है कि मैम हमें दोनों चीज सीखनी है, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अलग अलग करेंगे तो 2 months लगेंगे आपको एवरी कोर्स में, like 2 months for basics play school management course and 2 months for advanced play school management course. लेकिन अगर दोनों इकट्ठे करते हैं, individual course होगा फिर वो, तो आपको 3 months around जो है इस course में देने पड़ेंगे, पर इट्स जस्ट अ इन्वेस्टमेंट गाइज एंड यू विल गेट मोर एंड मोर एंड मोर सक्सेस गाइज। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और किसी को भी कोर्स कंटेंट दोबारा देखने हैं PDF फॉर्म में, जैसे मैं स्क्रीन पर अभी दिखा रही हूँ, तो मुझे WhatsApp पे एक बार हाई भेज दीजिए, आई विल सेंड एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स कंटेंट।
होप यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एडवांस प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए या फिर कोई क्वेरी पूछने के लिए रिगार्डिंग द कोर्स आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्क्रीन पर और वेरी फर्स्ट कमेंट में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।